नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गार्डनिंग के चैनल पे और शुरुआत करते हैं थोड़ा सा हम गार्डन का ओवरव्यू लेते हुए। तो ये देखिए तोरी लगी हुई हैं, बस थोड़े दिन और इनका मज़ा लेंगे, फिर ये ख़त्म हो जाएंगे प्लांट्स और फिर हम अपने सर्दियों वाले प्लांट्स और सर्दियों की जो सब्जियां हैं हमारी वो इनमें लगा देंगे। इन क्रेट को फिर हम खाली कर देंगे क्योंकि ये प्लांट मर जाएंगे, ये सीजनल प्लांट हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा गार्डन का ओवरव्यू देते हुए मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊंगी कि आज मैंने क्या किया। और आज दोस्तों मैं सुबह सुबह नर्सरी गई थी, आज मेरा मन कर रहा था प्लांट्स लाने का, नए प्लांट लगाने का। तो त्योहारों का वैसे ही सीज़न है और ये जो दिवाली के आसपास वाले नवरात्रे होते हैं इनमें जो मौसम है वो बहुत बढ़िया हो जाता है प्लांट्स लगाने का। और अपडेट भी मैं आपको दिखाती चलूँ, जो ये टमाटर की के बीज डाले थे ना हमने डायरेक्ट टमाटर से, देखो आने लग गया ना, थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर हम इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ भी हमें लगाने होंगे। तो दोस्तों आज मैं नर्सरी गई और थोड़ी सी शॉपिंग करके आई मैं प्लांट्स की। आज मेरा बहुत मन था कि मैं नर्सरी जाऊँ और नए नए प्लांट लेके आऊँ या देख के आऊँ उनके पास क्या कुछ नया आया हुआ है। और वही नर्सरी है मेरी जहाँ मैं जाती हूँ और मुझे वहाँ रेट भी ठीक मिल जाते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं जाती रहती हूँ वहाँ जब भी मुझे टाइम लगे। तो दोस्तों ये देखिए मेरी शॉपिंग जो मैं सुबह करके आई हूँ, और आज थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो गया, धूप सी लग रही होगी आपको है ना वीडियो में, तो मैं बता ही रही हूँ आपको मैं चली गई थी और आपको प्लांट दिखाते हुए अपने ये कि मैंने क्या ख़रीदा आज। ये दोस्तों एक तो मैं ये वाला लेके आई हूँ, येलो बेल्स वाले फ्लावर नहीं होते येलो वाले, वो ये वाला लेके आई हूँ। ये उनके पास एक ही बचा हुआ था और मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे लगा कि मैं इसको बड़े से पोट में लगाऊंगी और फिर रखा हुआ सुंदर लगेगा ये, तो इसलिए मैं इसको ले आई। और मुझको ये दोस्तों 200 रुपीज़ का पड़ा है। तो मैं रेट साथ साथ बता दूं, कभी आप भी लें प्लांट तो आपको ज़्यादा का ना पड़े, इससे कम का ही लें। एक दोस्तों ये इस प्लांट का नाम उसको उनको भी नहीं पता था कि इस प्लांट का क्या नाम है, ये नया आया था और वो बता रहे थे कि इसमें दो कलर के फूल आएंगे, तो मुझे नया सा लगा तो मैंने ये ले लिया। ये मुझे पड़ा दोस्तों 50 रुपीज़ का। तो देखो आपको पता हो इसका नाम तो आप मुझसे शेयर करना, इस डबल कलर वाले पत्तों का प्लांट का नाम। ये दोस्तों एक अलग कलर का एक जोरा था, ये रेड कलर में है शायद, क्योंकि रेड वाली इकट्ठे पड़े हुए थे वो, तो उसने कहा जो जिसपे फूल आए हुए थे उनकी कंडीशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ ये ठीक था, उन्होंने कहा इसपे भी रेडी फूल आएंगे। जो दूसरा हमने लगाया था वीडियो में एक में, उसके अलग फूल थे दोस्तों, उसमें लाइट पिंक थे शायद। और ये तुज्जा का प्लांट लेके आई हूँ, ये मेरे पास था नहीं, पहले था मेरे पास एक बार, ये बहुत पहले था, फिर मैंने कभी नहीं लगाया ये, तो मुझे लगा मैं ले लूँ, तो मैंने तुज्जा का प्लांट ले लिया और ये पोट भी ले लिया। तो तुज्जा का भी दोस्तों उसने 60 का दिया शायद, और ये थोड़ी सी कटिंग जो उनके वहाँ कोलियस की लगी हुई थी ना, कोलियस लगे हुए थे उससे मैंने थोड़ी सी कटिंग ले ली थी, मैंने कहा भैया थोड़ी कटिंग दे दो, और अलग अलग रंगों की मैंने कटिंग ले ली और इसको पानी में ला के रख दिया। तो आप मेरी सारी शॉपिंग देख लो जो भी मैं करके आई हूँ, और ये पोट लेके आई हूँ दोस्तों, ये गमला सीमेंट वाला, तो ये देख लो बस यही मैं लेके आई हूँ। इस प्लांट का नाम मुझे नहीं पता, डबल कलर के पत्तों वाला है जो, और कह रहा था डबल ही रंग के फूल आएंगे, देखो तो अलग सा था, मैंने सोचा ये है भी नहीं मेरे पास, ये मैं ले लेती हूँ। तो बस दोस्तों ये गार्डन का दिखाते हुए, और एक दो प्लांट और हैं जो मैंने साइड में रख दिए थे आते, क्योंकि यहाँ तो तेज धूप आएगी अभी थोड़ी देर में, देखा ना आपने धूप आने लगी है ना, देखो ये सारे में धूप आ रही है, अब उधर भी धूप आ जाएगी। और जो इंडोर वाली वैरायटी थी वो मैंने थोड़ी साइड में रख दी थी क्योंकि इधर इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती। तो ये देखो ये एक और मैं लेके आई थी, ये देखो दोस्तों वो होता ना ब्लीडिंग हार्ट, उसमें फूल आने लग गया ना, अभी पहली बार आए हैं बस। इसकी एक और कटिंग लगाई थी मैंने काट के, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, शायद इसमें फूल इसलिए आए हैं थोड़ा धूप में रखा है, वो थोड़ा सा छाया में है। तो दोस्तों एक ये मेरी शॉपिंग देख लो आप, ये मनी प्लांट है बड़े पत्तों वाला, ऐसा वाला मनी प्लांट मेरे पास था नहीं, ये देखो मैंने इसको शेड में रख रखा है ताकि मनी प्लांट को नुकसान ना हो, एकदम तेज धूप ना पड़े, क्योंकि उन्होंने भी इंडोर में से ही निकाल के दिया था मुझे,
और मुझे सुंदर लग रहा था। अभी ये देख लो आप, ये मुझे पड़ा है दोस्तों 150 का, गमले के समेत, ठीक है ना। तो ये देख लो, ये देखो इसके कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, है ना सुंदर। बस मुझे इसके पत्ते बड़े सुंदर लगे, मैंने कहा मैं साइड में रख दूंगी इसको, अच्छा लगेगा। मेरे पास दूसरी वैरायटी थी जो मैंने आपको शो कराई रखी है, 2-3 दिन पहले जो वीडियो बनाया था मेरे पास, तो इसी तरह के मनी प्लांट है, पत्ते तो उनके बड़े हो रहे हैं लेकिन ये वैरायटी थोड़ी अलग है। और दोस्तों एक ये देख लो, ये पैरट प्लांट, पता नहीं क्या बोल रहे थे इसको, ये पैरट पैरट कर रहे थे, मुझे इसका नाम नहीं पता और मैंने सर्च भी कर लिया यूट्यूब पे, मुझे तो ये प्लांट दिखाई नहीं दिया। आपको इसका नाम पता है तो देख लो। और मैंने ये इसलिए भी लिया, बहुत सारे थे ये, इसमें डबल है दोस्तों, रेट वही सिंगल का लगा है लेकिन डबल है। इनको मैं जब लगाऊंगी ना तो अलग अलग करके लगा दूंगी, तो आप भी नर्सरी से लाए ना थोड़ा सा ये देख लिया करे कि आप उसको डबल बना सकते हैं, या नीचे से कुछ निकल रहा हो तो कोशिश करें वही वाला लिया करें, तो इसके अब आपके डबल प्लांट तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा इनको शेड में रखना है, शेड वाले प्लांट है, इंडोर प्लांट है ये। तो एक तो इसका पैरट, पता नहीं क्या बोल रहे थे, वो पैरट प्लांट है, पैरट मनी प्लांट है, पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुझे समझ में भी नहीं आया। ये बड़े पत्तों वाला तो मनी प्लांट है, वो दूसरे वाला मुझे नहीं आया दोस्तों समझ में। तो आपको पता हो तो इसका नाम मुझे भी बता देना, मैंने सर्च कर लिया ना मुझे प्लांट मिला ना मुझे इसका समझ में आ रहा, तो लेकिन मुझे अच्छा लगा तो ले लिया। जरूरी नहीं होता कि हर चीज का हमें नाम पता हो, सब कुछ पता हो, लेकिन हाँ पता है इसको कैसे रखना है, तो बस नाम आप बता देना मुझे, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं देख रहे हो मुझे वो बता देना इसका क्या नाम है। और ये देखो इस पे अपराजिता पे फलियां बनने लगी हैं। बस दोस्तों आज मैं सुबह सुबह जाके नर्सरी में ये शॉपिंग करके आई हूँ, और आप देख लो मेरी शॉपिंग, आपको भी अच्छे लगे तो मुझे बताना कि मैंने कैसी शॉपिंग की। और ये आज मुझे खुशी हो रही थी ब्लीडिंग हार्ट को देख के, ये ब्लीडिंग हार्ट वाले फ्लावर्स हैं जिसे कि नर्सरी वाले तो दमबेल बोलते हैं। तो ऐसे आप भी नर्सरी जाएं तो देखो, मैंने वही जो प्लांट है ना उसकी एक कटिंग काट के मैंने यहाँ लगाई थी, लेकिन इसके पत्ते तो हरे हैं लेकिन इसमें फूल नहीं आया, शायद यहाँ शेडिड एरिया इसलिए ना आया हो और उधर वो थोड़ा सा धूप में इसलिए जल्दी आ गए हो। तो बस दोस्तों आज मेरा वीडियो मेरी शॉपिंग पे ही था, आज कोई नया टॉपिक नहीं था। तो आप भी बताना मुझे मैंने कैसी शॉपिंग की, कैसे प्लांट लगे जो मैं लेके आई हूँ, और जो भी मैं लाई हूँ वैरायटी मेरे पास नहीं थी येलो बेल्स वाले की, मैंने कटिंग्स तो लगा रखी है, अब देखो उसमें क्या होता है, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा था प्लांट, काफ़ी लंबा चौड़ा था और मैंने कहा पोट में लगाऊंगी, एक बड़ा पोट मेरे पास खाली पड़ा था, एक मैं नया भी ले आई और मनी प्लांट वाले के साथ तो आ ही गया। तो शाम को देखती हूँ मैं, एडजस्ट करती हूँ इन सबको। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट।